तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया, आपने थंबनेल देखकर किया या टाइटल देखकर किया मेरे को नहीं पता, लेकिन इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। और मैं आपको बताने वाला हूं कि ये यूट्यूब क्रिएटर कैंप क्या होता है। देखो, अभी तक आपको कुछ समझ नहीं आया होगा कि मैं क्या चीज के बारे में बात करने वाला हूँ, मैं मनोज दे के ऊपर क्यों वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं, मनोज दे ने एक वीडियो बनाया था बिगेस्ट गुड न्यूज, एंड वो वीडियो उनके चैनल से रिमूव हो चुका है। वीडियो रिमूव इसलिए हुआ बिकॉज उस बंदे ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी। गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दी थी, मतलब क्या गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी, उसके बारे में आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद बातें करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वाली। तो मनोज दे ने वीडियो बनाया बिगेस्ट गुड न्यूज फॉर ऑल यूट्यूबर्स, तो उस वीडियो में बताया कि यूट्यूब का एक इवेंट होने वाला है, दिल्ली में होने वाला है। तो मैं तो सूरत गुजरात जा रहा हूं 22 को, तो मैं 21 को दिल्ली नहीं जा सकता, दिल्ली में ये क्रिएटर कैंप होगा। YouTube का हर साल एक इवेंट होता है, बट जब से ये कोरोना का सीन चला तब से ये ऑनलाइन हो रहा था। तो मनोज दे ने अपनी वीडियो में ये बता दिया कि ये इवेंट ऑफलाइन होने वाला है, दिल्ली में भी होगा। तो उस वीडियो पे 1,00,000 से भी ज्यादा व्यूज आ गए थे एक दिन में। चलो भाई आ गए। अब उसके बाद मनोज दे ने कोई भी वीडियो नहीं बनाया कि मेरे से गलती हो गई, अभी तक कोई भी वीडियो चैनल पर नहीं आया उनके। तो मैं मनोज दे से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक वीडियो बना दो कि सॉरी गाइज मेरे से गलती हो गई। उसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूं। आपने अपने चैनल पर वीडियो बनाया बिगेस्ट गुड न्यूज, तो लोग समझ गए कि दिल्ली में इवेंट होने वाला है या उस स्टेट में इवेंट होने वाला है, तो हम भी जाएंगे, मनोज दे से मिलेंगे, और भी काफी सारे क्रिएटर्स आएंगे वहां पे, हम भी जाएंगे। बट लोगों को ये नहीं पता कि ये ऑनलाइन होने वाला है, मतलब फिजिकली आप किसी भी क्रिएटर को टच नहीं कर सकते, ये ऑफलाइन नहीं है, ये ऑनलाइन इवेंट होने वाला है। 2019 की बात है, जब मेरे चैनल पर 1 या 2 लाख सब्सक्राइबर्स थे, मैं भी एक इवेंट में गया था, वहां पे काफी सारे यूट्यूबर्स से मिला था। इवेंट में क्या क्या होता है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, उसके बाद आपके पास कंफर्मेशन मेल आता है, एंड आपके 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होने जरूरी होते हैं, उनका कुछ क्राइटेरिया होता है, एंड फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग भी फिल कर सकते हो, लेकिन ये ऑनलाइन होगा। तो आपके पास कंफर्मेशन लाने के बाद आप इवेंट में जाते हो, वहां पे आपको खाने के लिए मस्त माल बिल्कुल फ्री में मिलता है, काफी सारे क्रिएटर्स मिलते हैं जिनके साथ आप सेल्फी ले सकते हो, वीडियो बना सकते हो, सब ऐसे लगते हैं जैसे नॉर्मली यहाँ पे घूम रहे हो, बड़े बड़े क्रिएटर्स ऐसे घूमते रहते हैं, तो आप उनके साथ सेल्फी ले सकते हो, वीडियो बना सकते हो, कुछ भी शूट कर सकते हो, और लिटरली वहां पे बहुत ज्यादा मजा आता है, 5-स्टार होटल होता है। और ये इवेंट 3 दिन का होता है, एक दिन आपको अलग सिखाया जाएगा, दूसरे दिन आपको कुछ अलग सिखाया जाएगा, तीसरे दिन कुछ अलग सिखाया जाएगा, हर बार कुछ ना कुछ अलग आपको सिखाया जाता है, एंड वहां पे कुछ ब्रांड्स को प्रमोट भी करता है यूट्यूब, जैसे सोनी के कैमरे, मतलब पता नहीं यार क्या सीन है। तो उस टाइम तो मेरे को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था, जब तो मैं यूट्यूब पर छोटा सा बच्चे की तरह ही काम करता था, 2019 की बात है, तो मैं इवेंट में ऑलरेडी होके आ चुका हूँ। और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हो कि सर मेरा ये क्वेश्चन है, एंड आपको स्टेज पे बुलाया जाएगा। अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है आप स्टेज पे जा सकते हो, तो लिटरली भाई बहुत अच्छी बात है, आप उनसे अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो YouTube इवेंट के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, बाकी आप कभी जाओगे तो बहुत मजा आएगा। मैं आपको एक बार बताता हूँ, जब आप कभी भी YouTube इवेंट में जाते हो तो एक अलग सी फीलिंग आती है, लाइक मैंने कुछ तो करके दिखाया है, बट उसके लिए आपको भाई मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपका कॉन्टेंट बेकार है, आपके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं एंड कॉन्टेंट सही नहीं है, तो आपको YouTube की तरफ से कोई मेल भी नहीं आएगा, एंड आपको एक्सेप्ट भी नहीं किया जाएगा। आपके चैनल को देखा जाता है कि आपका कंटेंट कैसा है, तब आपको YouTube इवेंट में बुलाया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं मनोज दे के बारे में कि मनोज दे ने क्या बड़ा कांड कर दिया। हाँ देखो, एक तरीके से इसको बड़ा कांड बोल सकते हैं, बिकॉज 1,00,000 से ज्यादा लोगों ने देख लिया, अब हजारों लोग तो तैयार हो गए होंगे कि दिल्ली जाना है, ये वहां पे जाना है, इवेंट में मजा आएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमारी वीडियो के, मेरी वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा, एंड बहुत सारे लोग वीडियोस बना चुके हैं उनके थ्रू पता चल जाएगा कि हाँ मनोज दे ने ये गलत इंफॉर्मेशन दे दी थी। बट मैं आपको एक बार बताता हूं, अब इस वीडियो के बाद आप मनोज दे को जाकर बोलोगे, गालियां दोगे या कुछ भी नेगेटिव कमेंट्स करोगे, तो ये बेवकूफी समझता हूं मैं तो इस तरीके से। आप उसको बोलो कि हाँ भाई आपसे गलती हो गई, बिकॉज कोई कितना भी बड़ा क्रिएटर हो यार, सभी से गलती होती है, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिससे कुछ ना कुछ गलती ना हुई हो। मेरे इससे पहले काफी सारे एक्सपोज वीडियो बने, मैंने कुछ गलत बोल दिया था अपनी वीडियो में, तो भाई आप लोग थोड़ा सामने वाले की कंडीशन भी समझा करो। अगर आप किसी यूट्यूबर को दिल से चाहते हो, आप उसके सच में एक अच्छे वाले सब्सक्राइबर हो, तो आप उसकी गलती को बता सकते हो, ये नहीं कि आप उसको नेगेटिव कमेंट्स करो, बिकॉज गलती यार 100 में से एक बार गलती हो गई तो वो गलती नहीं होती, हो सकता है जल्दबाजी में हो गया हो या अच्छे से रीड ना कराओ। तो अभी YouTube पर काफी सारे वीडियोस बन चुके हैं, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार उल्टा सीधा मत बोलो, गलती इंसान से ही होती है और सब इंसान ही है। तो इस वीडियो को यही पर एंड करते हैं, एंड मेरे को लगता है कि मनोज भाई को कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही एक वीडियो बना देंगे कि आई एम सॉरी गाइस मेरे से गलती हो गई। उनकी ऑडियंस उस वीडियो को देख लेगी तो उनको समझ आ जाएगा, जो लोग दिल्ली आने वाले हैं या कहीं और जाने वाले हैं फॉर्म फिलअप करने के बाद,
तो वो नहीं जाएंगे फिर, वरना कोई पहुंच गया होटल वगैरह ले लिया, उसका फालतू में खर्चा जाएगा, उसको पता चलेगा कि ये तो इवेंट ऑनलाइन था। तो ऐसे हो जाता है, बहुत लोग तो एकदम सीरियस हो जाते हैं कि यूट्यूब का इवेंट हो रहा है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मैं आपसे मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें एंड बाय बाय।